रोवर ने चांद पर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए? क्या चांद पर मिल गई एलियन की दुनिया? चंद्रयान ने फिर से भेज दी रहस्यमयी तस्वीर। आज दुनिया के सभी देश, रूस, चीन, अमेरिका और भारत सभी एक के बाद एक चांद पर जा रहे हैं। आखिर चांद पर ऐसा क्या है जिसके लिए सभी देश मून मिशन कर रहे हैं? चांद पर ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं छिपी हैं जिसे पूरा देश खोजने में जुटा है। इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारा चंद्रयान 3 भी चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है और प्रज्ञान रोवर 3 दिन से चांद की जमीन पर रिसर्च कर रहा है। रोवर ने अपने रिसर्च के दौरान बहुत से रहस्यमयी खुलासे किए हैं और बहुत सी ऐसी भयानक तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। आज हम चंद्रमा के उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और उन सभी तस्वीरों को देखेंगे जो चंद्रमा ने अपने कैमरे में कैद किए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। 41 दिन की लंबी सफर के बाद हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा की धरती पर कदम रख चुका है। रोवर लैंडर के 8 मीटर दायरे में चंद्रमा की धरती पर रिसर्च कर रहा है। रोवर वहां पर जो भी रिसर्च करता है उसकी जानकारी लैंडर को देता है और फिर लैंडर उन सभी जानकारी को धरती पर भेज देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चंद्रमा पर इतनी रिसर्च क्यों की जा रही है? सभी देश अपना मून मिशन क्यों भेज रहे हैं? क्या आने वाले समय में चंद्रमा पर जीवन संभव हो सकता है? क्या चंद्रमा पर भी हमारी पृथ्वी जैसी खेती हो सकती है? हमारा विज्ञान कहता है कि अभी चंद्रमा पर इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में चांद पर जीवन संभव हो सकता है। चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा की मिट्टी में बहुत से कीमती और दुर्लभ खनिज पदार्थ मौजूद है। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम चांद पर जीवन भी खोज लेंगे और भविष्य में चंद्रमा पर जीवन बसाने का सपना पूरा हो सकता है। जब से नासा ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा है तब से चंद्रमा पर दुनिया बसाने की बात चलती चली जा रही है। लेकिन चंद्रमा पर दुनिया बसाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर बसना बहुत ही खर्चीला होगा। चांद पर सिर्फ 100 लोगों को शिफ्ट करने में 1,25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस हिसाब से चांद पर एक इंसान को बसाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, जो एक साधारण इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई भी नहीं होती। तो क्या आप 125 करोड़ रुपए खर्च करके चंद्रमा पर बसना चाहेंगे? आपको बता दें, चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी जैसा कोई वायुमंडल नहीं है। अगर वहां पर किसी भी तरह से जीवन संभव हो भी जाता है तो वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चंद्रमा पर हमेशा बड़े बड़े उल्कापिंड बहुत ही स्पीड में गिरते रहते हैं। ये उल्कापिंड इतने बड़े और भारी होते हैं कि चंद्रमा पर बहुत ही विशाल गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। अगर चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसा वायुमंडल होता तो चंद्रमा पर गिरने वाले उल्कापिंड चंद्रमा की सतह तक आने से पहले ही वायुमंडल में हवाओं के घर्षण से नष्ट हो जाते। चलिए अब जानते हैं कि हमारा प्रज्ञान रोवर कहाँ है और अभी तक किन किन खोजों को अंजाम दे चुका है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के बाद अब दुनिया की निगाहें प्रज्ञान रोवर पर टिकी है, क्योंकि अब रोवर ही चंद्रमा की रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाएगा। धरती से चंद्रमा तक की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, पर दुनिया इस हकीकत से अनजान है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जिसमें अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है और उन गड्ढों में भयंकर अंधेरा रहता है। नासा के अनुसार इन अंधेरे गड्ढों में बर्फ जमी हो सकती है, साथ ही एलियन जैसे खतरनाक जीवों का निवास भी हो सकता है। इन गड्ढों के रहस्यों का पता रोवर लगाने वाला है। इसरो द्वारा चांद पर भेजा गया रोवर APX-ASH टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी अल्फा पार्टिकल एक स्पेक्ट्रोमीटर। यह चंद्रमा के मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। यह चांद की संरचना पर
केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा और रोवर में LIBS मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक पदार्थों का पता लगाएगा। रोवर के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की मिट्टी को पिघला देगा और इस प्रक्रिया में उस समय जो गैस निकलेगी, रोवर उन गैसों का अध्ययन करेगा। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज पदार्थ मौजूद हैं, जिसमें सोना, चांदी, यूरेनियम और प्लैटिनम जैसी कीमती धातु हो सकती है। यही कारण है कि दुनिया के सभी देश चांद पर जाना चाहते हैं और चांद पर कीमती पदार्थों को खोजकर अपने देश को और ताकतवर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर कब्र मिली है? और यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब चंद्रमा पर कोई रहता ही नहीं है तो कब्र किसकी है और चंद्रमा पर क्यों बनाई गई है? चलिए जानते हैं। अमेरिका के महान वैज्ञानिक यूजीन मार्लेसुमेकर एक ऐसे इकलौते इंसान हैं जिनकी कब्र लाखों किलोमीटर दूर चांद पर बनाई गई है। यह दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थे। यूजीन मार्लेसुमेकर ने दुनिया के तमाम अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया था। यही नहीं, यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज इन्होंने ही की थी। विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने के लिए वैज्ञानिक यूजीन मार्लेसुमेकर को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू एस से सम्मानित भी किए गए थे। एक सड़क हादसे में सुमेकर की जान चली गई। इसके बाद नासा की मदद से उनकी कब्र चांद पर बनाई गई दुनिया ने यूजीन की अस्थियों की राख को चांद पर ले जाकर दफन किया था। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। पिछले 60 वर्षों में इंसानों ने लगभग 100 बार से ज्यादा मून मिशन कर चुके हैं। सभी मिशन में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशनों ने चौथा सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला जगह जरूर बना दिया है। इसके बावजूद भी चांद रहस्य से भरा पड़ा है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी छोर से दुनिया भी पूरी तरह से अनजान है। अभी तक जितने भी मून मिशन किए थे, चंद्रमा की उत्तरी ध्रुव में किए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किया जा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन हमें चंद्रमा का एक हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो हिस्सा धरती से नहीं दिखाई देता, उसे डार्क साइड कहते हैं। भारत के मून मिशन का मकसद दूसरी डार्क साइड की रहस्य से पर्दा उठाना है। भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन ऐसे मिशन भेज चुके हैं जो वहां से चांद की मिट्टी के नमूने लिए और सही सलामत धरती पर आ गए। लेकिन हमारा प्रज्ञान रोवर चांद से कोई नमूना लेकर धरती पर नहीं आने वाला है। हमारा रोवर चंद्रमा की सतह पर ही 14 दिनों तक रिसर्च करता रहेगा और फ्यूल खत्म होने के बाद वही नष्ट हो जाएगा। अगर वहां पर कोई बेसकीमती धातु मिलती है और पानी की पुष्टि हो जाती है, तो इसरो अपने अगले मून मिशन में मानव युक्त यान को भेजने का प्लान बना सकता है।